हेलो दोस्तों, ऑटो रिक्शा ज्ञान। तो दोस्तों, यहाँ फिलहाल एलईडी लाइट है, बहुत से ऑटो रिक्शा टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक में ये प्रॉब्लम होता है, बारिश में लाइट अच्छे से नहीं आगे गिरती और दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, ये आज का ऊपर वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, 12 वोल्टेज के लिए आपको बैटरी होनी ज़रूरी है। और उसके बाद दोस्तों, मैग्नेट पे भी होते हैं, फिलहाल अभी 12 वोल्ट का विषय तो बैटरी पे ही दिखा देता हूँ और चलते हैं फटाफट। तो यहाँ दोस्तों, बारिश के मौसम में बहुत सा प्रॉब्लम होते हैं। रात के समय जो ऑटो ड्राइवर चलाते हैं, आगे का कुछ दिखाई देता नहीं, स्पीड ब्रेकर खड्डे या कोई भी आगे कुछ दिखता नहीं जब बारिश के समय। तो वाइपर और वाइपर ब्लेड मोटर का वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपकी लिंक उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर मुझे कमेंट करना, मैं उसकी लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ रात का समय ऑटो कैसे चला उस पर भी वीडियो बना, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले 10 नंबर का पाना, एक पकड़ प्लायर इस तरह वाइसर और बड़ा सा बोल्ट, ये छोटा है, और उसके बाद ये पट्टी। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें इसके साथ मिलती है जो एलईडी लाइट, और बाकी चीज़ें आपको जहाँ फिट करना है वहाँ ये नट बोल्ट और वाइसर लगने वाले। तो दोस्तों, यहाँ है नंबर प्लेट, यहाँ मेरे ऊपर है तो आप देख सकते हैं, 4 स्ट्रोक गाड़ी है आपके, 2 स्ट्रोक को तो आप कहीं भी फिट कर सकते। और ये है वायर। तो दोस्तों, इसमें 2 वायर होती है, एक रेड और एक ब्लैक। तो फिलहाल ये ब्लैक वाली ये वायर अर्थिंग के लिए मैंने यहाँ लगा दी है, और दूसरे रेड है जो बैटरी की तरफ जाने वाली। तो दोस्तों, यहाँ इस तरह फिट करना, पहले देख लीजिए, यहाँ इसको जो नंबर प्लेट का बोल्ट होता है ऊपर, उसको इस तरह ऊपर लगा दिया है, और इसे अच्छे से टाइट कर देना, कस देना है, जिसे ये लूज ना रहे, मतलब अर्थिंग अच्छे से मिलती रहे। तो उसके बाद ये बड़ा सा बोल्ट है, ये 10 नंबर, यहाँ से इस तरफ निकालना है। उसके लिए आपको एलईडी का ये जो इस तरह लगाना है, उसके बाद नट को यहाँ से इस तरह निकालना है। तो ये हो गया ऊपर नट, जो पाना है और नट, इसको इस तरह एक हाथ से लगा रहा हो। तो फिलहाल अकेला होता है, यही ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ मैं। तो ये अभी इसको भी टाइट कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ मैं हूँ अनिल बाबा। आपको इस तरह वीडियो पसंद आते हैं दोस्तों, में शेयर ज़रूर करना है। और आप चाहते हैं 2 पैसे बच जाए वायरिंग के पास, वायरमैन बहुत सारा पैसा लेता है, कम काम होता है पर पैसा बहुत सारा लेता है, तो ये भी बहुत सा प्रॉब्लम खुद मुझे भी आता है बहुत बार। तो फिलहाल मैं खुद काम कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। अभी इसे टाइट करना है दोस्तों, आपको ये जो एलईडी लाइट है जो नीचे ऊपर करने के लिए, ये नट अच्छे से टाइट करना, जैसे इस तरह मूव होना चाहिए नीचे और ऊपर, बस ये इतना ही काम है। अब यहाँ से आपका काम खत्म हो चुका है, आगे चलते ये दूसरी एक वायर है 2 से या 3 मीटर तक, यहाँ से इसको, तो ये वायर है दोस्तों, देखो रेड वाली आपको दिखाई दे रही है, अर्थिंग है ब्लैक वाली, तो ये भी टाइट हो चुका है, और ये दूसरी वाली वायर है, यहाँ से आपको नीचे लेनी है। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, पहले ध्यान देना है। तो जो रेड वाली वायर दोस्तों, ये बैटरी की तरफ लेके जानी, जैसे डैशबोर्ड है अंदर ऑटो रिक्शा के अंदर, वहाँ उसको फिटिंग करनी है। और दोस्तों, ये फाइबर है 4 स्ट्रोक, इसलिए पूरा खोलना है। तो ये 4 पॉइंट का स्क्रू ड्राइवर से या माइनस वाले या आप इसी से भी खोल सकते हैं। ये खोलने के बाद आगे की वायरिंग होगी। तो फिलहाल पहाड़ों में आए, और ये है त्रंबक, त्रंबक के पीछे पैना है, बहुत सारी खेती है, पहाड़ है। और दोस्तों, यह शाम का समय, तो फिलहाल अभी बारिश होने से पहले फटाफट ये चीज़ें कर लेनी। तो अभी बारिश के दिनों में ये प्रॉब्लम होता है, दिखाई देता नहीं। ये वायर है 2 से 3 मीटर तक होनी चाहिए, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल मेरे पास येल्लो है। तो पर दोस्तों, ध्यान रखना, ये प्लस मतलब रेड वायर को यही लगानी है, और ये बैटरी की तरफ और डैशबोर्ड की तरफ लेके जानी। तो इसके लिए आपको यहाँ टेप मार दिया है मैंने ऑलरेडी, और एक वायर ब्लैक वाली अर्थिंग यहाँ लगा दी है। तो आप कोई भी छेद में से, हॉर्न में से, यहाँ से, फिलहाल अंधेरा होने से पहले, मैं बाद में इसमें आगे से जो छेद है वहाँ से लेने वाला, फिलहाल फास्ट काम कर रहा हूँ और आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से आप भी गेयर वायर क्लच वायर के छेद में से निकाल लिए। दूसरा है डैशबोर्ड के पास, आपको यहाँ कहीं भी छेद कर सकते हैं आप, जहाँ आपको पसंद हो। तो फिलहाल मुझे यहाँ अच्छा लगा, और यहाँ ही मैंने वायर, और ये है ऊपर स्विच, ये है पुश स्विच कहते हैं इसको, 30 रुपये का आता है दोस्तों, 30 रुपीज़, और उसको इस तरह वायर लगा देनी है। आपके छोटा स्क्रूड्राइवर होती मदद से इसको अच्छे से वायर, उसको कट मारने का, उसको पकड़ से छीन लेना है, फिर उसके बाद ही इसको, इसके दोनों पॉइंट यहाँ इस तरह लगा लेने। उसके लिए एक छेद बचता है, ये वायर है दोस्तों, ये रेड वाली मोटी सी दिख रही है, स्विच में मेन स्विच है दोस्तों, जो स्विच ऑन करने के बाद करंट सप्लाई ऑन ऑफ होता है, ये ध्यान देना है, और इसको यहाँ लगाना है। उसके पहले आप क्या करना है दोस्तों, ये ध्यान देना, यहाँ से बटन जो पुश बटन है, उसके बाद टेप दोस्तों, ये पीवीसी टेप, इसके ऊपर भी लगाना, ये भी ध्यान देना, क्योंकि 12 वोल्टेज का करंट सप्लाई रहता है, खुला रहता है उससे अच्छा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में लाइक शेयर ज़रूर करना है। चलो दोस्तों, फटाफट आगे, और यहाँ भी एक नट होते हैं 2 और 1 फाइबर का, तो ये भी यहाँ लगाना है। तो इसे खोल के रखा है, बाद में इसको फिट करने के लिए काम आ जाएगा, जो पुश बटन हिल ना पाए और कोई छेड़छाड़ ना करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते डैशबोर्ड के पीछे से इस तरह इसको यहाँ से निकालना है। तो उसके बाद दोस्तों, प्लायर से खींचना है, कभी कभार
तो देख सकते हैं दोस्तों, काम करते समय हॉर्न भी खोल लिया। अभी हॉर्न में भी एक सेटिंग होती है दोस्तों, ये एक नट होता है जहाँ आपका हॉर्न अच्छे से नहीं वर्क करता है, नहीं बच पाता है, 12 वोल्ट तक सप्लाई होता है। पर दोस्तों अभी फिलहाल इसमें स्क्रू ड्राइवर 4.0- इस तरह लगाना है और उसको आगे पीछे करके हॉर्न बजाते रहना। जैसे आपको साउंड अच्छे लगे वही समझ जाना क्या आपका हॉर्न ठीक हो गया। तो दोस्तों ये भी आपके लिए ही बना है वीडियो कम समय में, तो दोस्तों ये एक लाइक इसके लिए तो बनता है। तो दोस्तों चलो आगे और भी काम है वो भी दिखा देता हूँ। तो ये वायर छिली हुई यहाँ लगानी, मोटी सी दिख रही है, बैटरी का करंट है, जब स्विच ऑन करेंगे तो इसमें से करंट सप्लाई ऑन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ इसको अच्छे से वायर पहले लगा देने, आपको पहले दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद ये दो नट होते हैं, ये भी पुश बटन को लगाना है, तो ये भी और ये फाइबर वाला। तो ये हो गया, इसके ऊपर PVC टेप लगा दिया है जो शॉर्ट सर्किट ना, 12 वोल्ट से करंट सप्लाई जब ऑन करने का होता है। आप चाहे तो कहीं और भी फिटिंग कर सकते हैं, आपको वायरिंग नहीं समझ में आती तो मैं आगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये स्विच ऑन होने के बाद ही ये मेन सप्लाई, फिर उसके बाद इसे खींच लेना है। तो ये हो गया, उसके बाद यहाँ भी PVC टेप अच्छे से मार देना है। फिलहाल तो फिलहाल ये कच्चा काम था पहले वाला वीडियो, तो इसको मैंने बाद में और एडिट करके इसको अच्छे से टेपिंग करने के बाद आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि टाइम कम था इसलिए दोस्तों मैंने फटाफट ये काम कर लिया आपके लिए। तो दोस्तों ये इस तरह टेप लगा लेना है दोस्तों। तो ये चीज़ समझ चुके हैं, ये स्विच को भी ऊपर से PVC टेप लगा और उसके बाद इसको पीछे से इस तरह जो छेद है वहाँ से इसको इस तरह निकाल लेना है। तो अभी पकड़ से खींचते थे दोस्तों, फिर उसके ऊपर दोस्तों ये पीतल की दो नट है छोटे, आप हाथ से भी लगा सकते हैं या फिर प्लायर से भी। तो फिलहाल अभी हाथ से लगा लेता हूँ, क्योंकि एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से ये पुश बटन को नट लगा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह देख सकते, घुमा लेना है। ये घुमाने का तरीका भी बहुत ही आसान है, इस तरह हल्के हाथ से घुमाना है, फिर बाद में प्लायर से या पकड़ से उसे टाइट करना है। सिर्फ छोटे बच्चे होते हैं बहुत परेशान होते हैं, तो ये ख़राब हो जाता है, इसलिए इसे अच्छे से टाइट करना है। और ये फाइबर की जो ऊपर से खींचने के लिए पुश बटन है ये भी लगा देना है, जिसे ऑन ऑफ के लिए आपको अच्छा है। तो ये हो गया, अभी टेस्ट लेते हैं, इसे ऑन करना है, फिर उसके बाद इसे खींच के देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ काम यहीं तक ख़त्म नहीं होता है। तो दोस्तों बहुत से ऑटो ड्राइवर दिन में ही चलाते हैं, रात में कोई प्रॉब्लम आता नहीं, पर दोस्तों बहुत से ऑटो ड्राइवर रात के समय भी ऑटो चलाते हैं, पर उसके लिए आपको ये अलग से लाइट बिठाना पड़ता है। पर दोस्तों जैसे आपको बटन ऑन ऑफ करते हैं हेडलाइट की, तो अभी देख सकते हैं बारिश के दिनों में इस तरह प्रॉब्लम होता है। और आप हॉपर डिपर भी यूज़ करते, भले इसको 4 स्ट्रोक के दो लाइट है, पर जब सिंगल लाइट की बात आती है तो ये अकेली लाइट जहाँ रात के समय किस तरह व्यू दिखता है ये भी आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि दोस्तों खर्चा थोड़ा कम है पर आपको काम, और ये बारिश के दिनों में बहुत सा प्रॉब्लम होता है जब रात के समय आपको ऑटो चलाना पड़ता है या आप कहीं जाते हैं तो यही प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों ये इसके लिए ऑटो रिक्शा ज्ञान और मैं अनिल लोगों इस तरह की वीडियो बना, तो आपको समझ में आए और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।